तो दोस्तों कैसे आप सब, स्वागत है आप सबका इट्स एडू टाइम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि शानदार ट्रिक की क्लास आने वाली थी, तो आज लोगों की जो ट्रिक है ना बड़ी ही शानदार है। ट्रिक में क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 99 के नंबर को 99 के नंबर को अगर किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से किया जाएगा, पर उसमें आपको सिर्फ 2 डिजिट पढ़ाई गई थी। आज क्या है, सारा का सारा जो है ना उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, छोटा हो, बड़ा हो, इक्वल हो, हर तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करना है सीखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक की, और मल्टीप्लाई के लिए नंबर है 99। ये 99 का मल्टीपल नहीं है, असल में सीरीज है। चाहे 9 से करो या 99 से करो या 999 से करो या 499 से करो, और इट विल कीप गोइंग ऑन। ठीक है ना दोस्तों? तो भाई देखो, 9 तो बहुत ईजी है, ठीक है। 99 मैंने बताया था, मैं अब रिवाइज कराता हूँ क्या बताया था। जैसे मान लो 99 को मल्टीप्लाई करना है 83 से, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या शानदार तरीका बताने वाला हूँ। 83 ये जो नंबर है, इससे पहले क्या आता है, 82 आता है, और जब 100 में से इस 83 को घटाऊँगा तो बचेगा 17। 17 यहाँ लगा दिया और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरह की बेहतरीन शानदार ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अब ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, एक्सपेंड करने वाला हूँ। अगर ये जो है ना, मान लो 99 होता, ठीक है, और यहाँ पर होता 7, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि 99 2 डिजिट नंबर है और ये जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि 2 डिजिट नंबर नहीं है। ये जो हमारा 2 डिजिट नंबर यहाँ पर था, इस वाले केस में नहीं है ना, तो यहाँ पर मैं 0 लगा लूँगा इसको 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए। अब वही देखो, 0 नहीं भी लगाऊँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने समझाने के लिए लगा दिया। पकड़ के आपको साथ ही को चलना है। 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है। 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है, और 100 में से 7 घटाऊँगा तो क्या आएगा दोस्तों, 693 हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये बड़ा ही बेसिक सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आती है, यहाँ से समझ में आता है 2 केस। कौन कौन से केस? पहला, अगर इक्वल डिजिट है तब भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, और स्मॉलर है तब भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। दोनों ही केसेस में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझको मल्टीप्लाई करना है 999 को, किससे करना है, 819 से। अब देखो इक्वल है तो भी सही, और स्मॉलर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो 819 से पहले क्या आ जाएगा, 818, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 99 था, मतलब ये 100 के राउंड ऑफ नंबर है, इसलिए 100 में से घटाते हैं। 999 1000 के राउंड ऑफ नंबर है, इसलिए 1000 में से घटाते हैं। 819 को 1000 में से घटाऊंगा, सीधा आ जाएगा 181, ये हो जाएगा दोस्तों मेरा आंसर। अरे ये तो बड़ा स्टाइलिश सा बन गया, 818181 है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलो भाई देख लेते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉमन से ले लिया क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4। तो भाई 1 2 3 4 से पहले क्या आता है, 1233। अब इसको किस में से घटाऊँगा, 10,000 में से, क्योंकि ये जो 9999 है ये 10,000 के करीब है। तो 10,000 में से इसको घटाऊंगा, आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों, सही है ना। तो 1 2 3 3 8 7 6 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा आंसर? तो बड़ा ही बेसिक सा फंडा है इक्वल का। इसी तरीके से छोटे का भी बड़ा सिंपल फंडा है। देखो 9 9 9 को अगर मुझे 82 से मल्टीप्लाई करना होता तो 82 से पहले क्या आता है, 1, और 1000 में से इस 82 को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 918, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखा दोस्तों आपने, चाहे इक्वल का केस हो चाहे स्मॉलर का केस हो, दोनों ही केस में सिंपल बड़ा ही कॉमन सा प्यारा सा फंडा लगता है, और हम लोगों का आंसर मिनटों में आ जाता है दोस्तों। ये तो मिनटों में मेरा आ रहा है क्योंकि मैं लिख के बता रहा हूँ, आप तो डायरेक्टली करेंगे सेकंड्स में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप कन्वेंशन लगाते कितना बड़ा हो जाता है ना दोस्तों। तो इतना शानदार और बेहतरीन मैंने आपको तरीका सिखाया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, चाहे वीडियो अच्छे लगे चाहे ना लगे,
कोई कमी लगे या कुछ सजेशन देना हो, कुछ भी हो बताना ज़रूर कमेंट में। अच्छा लगता है जब आप लोगों की बात सुनने को मिलती है, फीडबैक मिलता है कि अच्छा ये चीज़ सही थी, ये चीज़ नहीं सही थी। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ तक ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। बड़ा ही मज़ेदार जो है ना कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसके बाद बताऊँगा ग्रेटर नंबर वाला। ठीक है, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आ जाइए, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने है। पहले मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने वाला हूँ, तो ये रहा आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट। भाई देखो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का फंडा क्या होता है ना, राउंडेड वैल्यू में से घटी हुई वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे 18 एक टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट के लिए 100 हो जाता है मेरा राउंड ऑफ नंबर। तो 100 में से 18 घटाया तो क्या आएगा, 72। क्या आएगा भाई, 72, 82 आएगा, 72 नहीं आएगा, 82 आएगा। ये हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 82 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो वो हो जाएगा 18। 782 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ये मेरा तीन डिजिट का नंबर है, मतलब 1000 में से घटाऊंगा तो आ जाएगा मेरा 218। ये 218 मेरा कॉम्प्लीमेंट है किसका, 782 का, और 782 कॉम्प्लीमेंट है किसका, 218 का। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट किस तरह इस्तेमाल होता है, मान लो देखो मुझे 113 में से ना 113 में से 78 घटाना है, तो बजाय मैं 113 में से 78 घटाने के कैसे आंखों ही आंखों में ऐसे मजाक से कैसे करूँगा सॉल्व, मैं क्या करता हूँ कि इस 113 की जगह ना इसका 100 समझ लेता हूँ। तो भाई 100 में से 78 घटाना मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं इस 78 का कॉम्प्लीमेंट सोचूँ तो होता है 22, और मैं उस 22 में वो एक्स्ट्रा नंबर जोड़ देता हूँ, यानी कि 22 में 13 जोड़ते क्या आ जाएगा दोस्तों मेरा, भाई 22 के अंदर 13 जोड़ते क्या आ जाएगा, 35 आंसर है। इसी तरीके से देखो 103 में से अगर 9 घटाना हो, ठीक है, तो भाई डायरेक्टली मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे 9 का पता कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सीधी सीधी बात है 91, और 91 में 3 ऐड कर दो, 94 आंसर। तो ये कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको क्यों समझाया, बड़ा ही शानदार है पर समझाया क्यों है उसको देखो। मैंने अभी आपको दो केस पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था छोटा वाला, एक पढ़ाया था इक्वल वाला, अब पढ़ेंगे ग्रेटर वाला। अगर मैं बात करूँ ना ग्रेटर वाले की, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 99 हो तो उसको मल्टीप्लाई करना है 364 से, है ना। हर बार क्या हो रहा था, ये जितने डिजिट का होता था हमारा 9 वाला सीरीज उतने ही डिजिट का होता था ये, या उससे छोटा होता था। अब की बार बड़ा है, अब की बार ये 2 डिजिट है और ये कितना है, 3 डिजिट है, यानी कि ज़्यादा है। ऐसे केस में क्या करेंगे वो सीखना है। तो देखो 2 डिजिट के बाद एक स्लैश लगा लो, ठीक है, ये हम अपनी सहूलियत के लिए लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, कुछ नहीं करना। ये जो नंबर बच गया 3, इसका अगला नंबर क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा, वो घटा लो इसमें से, इस 364 में से वो 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 360, और बाकी वही 64 का कॉम्प्लीमेंट होता है 36। 100 में से घटाने का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 36036। समझ में आया, देखा कितना शानदार है। एक और क्वेश्चन देखो, 999 मल्टीप्लाई बाय 4484, ठीक है दोस्तों। अब भाई ये 3 डिजिट है और ये है 4, तो क्या करेंगे, स्लैश लगा लेंगे, लगा लो फटाफट से। अब कुछ नहीं भाई, 4 का अगला नंबर होता है 5, तो 4484 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 4479, और अब 484 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है भाई, 516 आएगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही शानदार और इजी तरीके से आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, आंखों ही आंखों में सॉल्व कर सकते हो। आंखों ही आंखों में प्यार होता है ना, तो ये आंखों ही आंखों में इससे प्यार हो जाएगा आपको। इतना मज़ेदार और शानदार कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताना कि क्यों समझ में नहीं आया, ठीक है, कॉमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना अच्छा लगा वीडियो ख़राब लगा। यहाँ तक ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों देखो ऐसा है, मेरी ना आदत नहीं है बातें बनाना, ना ही मैं अपनी वीडियो को लंबा करता हूँ, तो ये मैंने आपको पढ़ाने के लिए आया, फटाफट से बढ़िया सी बेहतरीन ट्रिक पढ़ाई, और ये रहा आज का होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे कॉमेंट्स में इनके आंसर ज़रूर बताना, ठीक है, खुद से ट्राई करना बिना कैलकुलेटर के, और फिर चेक करना आंसर सही आया और ज़रूर सही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये एग्जांपल है आपके, इनको घर पे ट्राई करना एक बार, ठीक है। अब 99 है, ये ज़्यादा बड़ा है, क्या करोगे, स्लैश लगाओगे ना, स्लैश लगाओगे ना, हाँ दिमाग से करना इसको, नहीं आया तो पूछना भी ज़रूर, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका होमवर्क, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि सॉल्यूशन क्या है इनका। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक कि कैसे 99 की जो सीरीज़ होती है उससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कॉमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो हेल्प है ना ये सब तक पहुँचनी चाहिए। और अभी हमारा चैनल भी नया है तो इसको ग्रो होने की काफ़ी ज़रूरत है, तो आप सबके सपोर्ट से ये जल्दी चैनल ग्रो भी होगा और आप सबकी हेल्प भी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, आप देख रहे थे इट्स एडो टाइम विद मी, और जय हिंद जय भारत।